राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे अपने घर में। और गाइस, आज का व्लॉग तो खैर पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन अभी बज रखे हैं 8:15, तो आप पहले जाके देखो कि दिन में मैंने क्या किया था। तो गाइस, आप जो आगे वीडियो देखोगे व्लॉगिंग की, उसमें आप देखना कि गुन्नू, मतलब सुबह के टाइम जब हम खाना वगैरह खा रहे थे घर पे, उस टाइम गुन्नू खुद ही गाना गा रही थी, खुद ही नाच रही थी। उसने नाच चमकर गाना गाने का इतना ज़्यादा शौक है, तो देखना जाके। एक हाथ में झटका झटका हुआ है। आजा आजा, तो गाइस तेजस डिस्चार्ज हो गया, आ चुका है 5 बजे। मैं बन गई पीले। वेलकम बैक भाई, जा रहे हैं थोड़ी बड़ी मुश्किल तरह रखी है, सीधा बाहर भीतर चले जाओ। माँ बेटा इनका फोन देखो, पापा वो फोन पर बोल रहा है। हेलो हेलो बोल रहा है। हेलो हेलो हेलो, देख क्या की आवाज आ रही है। बोल रहे हो किधर आए? हां न्यू गाइस, ये मेरा फोन है। हां जरा देख चला के मोबाइल का कैसे चलाते हैं। ये चलो देखना तेरा, फिर तू चला लियो, तेरे को दे दूंगा तेरे को फोन। हां पापा बताओ कैसे चला। जो है वाईफाई। हेलो 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 हेलो। हाँ चाचा बोलो, बोलो बोलो। हेलो हेलो बोल दो। हेलो हेलो क्या कर रहे हो भाई? मैं हेलो अभी आ रहा हेलो गाइस, अभी बन चुकी है चाय। हेलो यहाँ ना सुना की है कि टुकड़े टुकड़े कर 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 चाय पार्टी बन रही है ना पापा, चाय स्वाद। हाँ सुबह कह रहा, सुबह भेजा था मैंने, बेर कर लूँ ही होना है मेरी। मैं एक गाड़ी ले जा, अभी ले जा, अभी क्या छुट्टी मिल जाएगी। हाँ तो फिर गाड़ी ले गया तो सही है ना, ये आया सो तो गया गाड़ी में। हाँ सो गया, फिर क्या करता है? फोड़ दे मेरे फोन, पता क्यों हो रहा है नेटवर्क ना आते हैं, उसका रिचार्ज लगी नहीं दिया भाई। हाँ पार्ट गया ये जी, है ना है ना। हम मतलब पागल थे 3 दिन तक। ऐ माँ तो माँ ही हो है पागल के। रुक जा, वो कार परसों की तो बात है, कैसे फोन पे फोन ले लेके करती तू, फोन पे तू बात। मैं नहीं तो अपनी दादी तो नहीं करती, नहीं ना करती भैया। तो ना कल की मना कर दी, उस दिन बताई ना मना कर, इसलिए अपने बाल का देखाई है ना। वो नहीं बोला 10 तारीख तक गुप्त नवरात्रि शुरू हो, उसमें करवा दी हो बढ़िया दिन है। मका छोरा एडमिट हो रहा है, कई बार छुट्टी भी ना मिलने वाला, क्या बात होगी? मान्य नहीं हो गया बोला, तो उसने आपका कह दी तड़कटाओ ना, फिर उसने खुद ही कह दी, बोला 10 तारीख तक गुप्त नवरात्रि शुरू है, कद्दे भी करवा लिए। फिर और बढ़िया है ना, 10 तारीख पाछा कद्दे करवा और के ना, ये बात और बोल ना 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 नहीं कर होना ही है। और तू क्या कह रही? मैं तनु कह रही सुबह
लाओ तो फिर संतोष दादी का फोन मिला के दे दो ने ना मैं ना बनवा रही ना मैं तो जा रही हूँ हाँ सुबह ही रख लिया था मैंने मैं तो अपनी दूसरे ले जाऊंगी शाल ले जाऊंगी मैं तुम मत दे चुनी मैं फोन नहीं देना मेरे फोन है वो भी मेरे फोन है आप नया लाना अपने आप नया लाना मैं वो भी नहीं दे देना बना लूँगी क्या बना लूँगी तेरी एक बना लूँगी चुन्नी मेरी ठारी है के मजाल पा के आ रही भी दिख जा पानी दिखना चाहिए कूलर तो दे कितनी वो है सारे बाल कम तेज है घणी तू जरा खोल दो तू का है कुछ तड़के चल जाती है देखो भाई अभी गाइस अभी सारे कर रहे बात तो अभी जाएंगे सारे तो अभी बुआ के टाइम में तभी बुआ जा रही है अपने घर तभी दादा बोल रहे कि कुछ काम करना है तो काम कर लो मैंने बोला और ताने खेल रहे और ताने को कुछ काम और वीडियो बंद हो रही है और ताने को कुछ काम नहीं है और ताने बस खेल खेल रहे है तो गाइस ये मैं वापस नसीरपुर आ चुकी हूँ और मैं जस्ट अभी आई हूँ 7:15 बजे क्योंकि 6:30 बजे वहाँ से चली थी बच्चे घर अकेले थे तो मैं रुक नहीं सकती थी इसलिए मुझे आना जरूरी था तो मैं जस्ट अभी आके बैठी हूँ और अभी बना रहा है सागर सब्जी क्योंकि सागर वगैरह में सब्जी बनाऊंगा तो सब्जी तेरे बना देगा फिर मैं सेक दूंगी रोटी उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े चेंज ओ आई होप गाइज आप सबने देख लिया होगा कि दिन में मैं लाडो सराय थी वहाँ पे मतलब सुबह मॉर्निंग वगैरह की तो ना बनाई थी क्योंकि भाई काम वगैरह भी हो जाए जो तेजस है वो हॉस्पिटलाइज्ड था तो उसने डिस्चार्ज मिल गया था वो आया था तो उसके आने के बाद में फिर हम पूरी फैमिली बैठ कर चाय वगैरह पी रहे थे और उसके बाद चाची भी आ गई थी उसका पता लेने ताई तो उस बीच में गुन्नू मतलब कैसे पापा का फ़ोन लेकर शुरू हो रखी है कि ये देखो गाइज उसने मतलब इतना ज़्यादा शौक है देन फिर मैं 6:30 बजे चली थी वहाँ तक पापा ने तो मना करी थी कि भाई रुक जा लेकिन घर पर भी बच्चे अकेले थे भाई तो आना भी ज़रूरी था सिर्फ मैं तेजस की वजह से ही रुकी थी क्योंकि उसने कही थी अबुआ जब मैंने छुट्टी मिल जाए उसके बाद ही आप घर जाना तो मैं फिर वहाँ से 6:30 बजे चली थी तो मैं 7 बजे तक वापस आ गई थी अंकित मैंने मुनीर का तो पठा गया था तो वहाँ तक ज़्यादा टाइम ना लगता है तो इसलिए मैं 7:15 बजे तक 7:15 तक मैं घर पर आ गई थी तो आई होप अबू जल्दी से ठीक हो जाए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं भाई फ्लू पता है भाई चलता है इस सीजन में वायरस का कुछ नहीं पता होता तो अब वो बिल्कुल ठीक है का घर आ चुका है और जो मैं गुन्नू के लिए लेके गई थी मतलब एक कंप्यूटर लेके गई थी वो लर्निंग कंप्यूटर आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा वो उसने बहुत पसंद आया था तो मैं वॉकी टॉकी भी लेके गई थी साथ में क्योंकि फिर तेजस का भी तो कुछ लेकर जाना था लेकिन गुन्नू ने मतलब वो वॉकी टॉकी भी खुद ही ले लिया अब मैं ही चलाऊँगी इसने तो पता ना वे के करेंगे के नहीं करेंगे वो तो वो ही जाने वो आप उनके ही व्लॉग्स में जाकर देखना कि भाई वो उस तो देवेगी या नहीं देवेगी और आज सब्जी रोटी तो देखो बच्चों ने ही बनाई है मैंने नहीं बनाई क्योंकि मौली के पता है भाई पेपर ख़त्म हो चुके हैं फाइनल पेपर जो थे वो मौली के ख़त्म हो चुके तो अब मौली की चल रही है छुट्टी और सागर ने आज कटहल बनाना था तो उसने कही मम्मी मैं बना देता हूँ क्योंकि जब आई थी तो आते ही उसने कहती थी और गाइज ये एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो वायरस वगैरह फ्लू वगैरह से भी बच के अपने बच्चों को क्योंकि आई फ्लू भी चल रहा है ये नहीं कि सिर्फ फीवर फीवर वाला फ्लू चल रहा है आई फ्लू भी चल रहा है क्योंकि अभी पीछे सागर की भी आँखा में दर्द हो गया था तो मैंने उसका मतलब छींटे वीटे मार कर जब बता दी थी उस तक तो एग्ज़ाम टाइम में देखो भाई बच्चों को अपने वो देख के घर में सुरक्षित रखो हाइजीन का ध्यान रखो हम तो बस यही कहेंगे
क्योंकि वो टाइम है फाइनल एग्जाम्स का, और इस टाइम में बच्चे कुछ तो टेंशन रहती है उनको, कुछ मतलब स्ट्रेस और पढ़ाई का तो मतलब यही लगा लो कि रहता है उनको, पूरे साल की मेहनत होती है, तो उस चक्कर में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों का घर पे ध्यान रखें। और गाइस इस व्लॉग का करेंगे अब हम यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और कल तो मैं जाऊंगी प्लॉट पर, क्योंकि आज भी उनके इतने फ़ोन आए मेरे पास, मतलब दो बबीता के एक नीता का, उस टाइम पर मैं फ़ोन उठा नहीं पाई। आने के बाद फिर मैंने बबीता के पास कॉल करके बोल दी थी कि भाई मैं कल आऊँगी दिन में, क्योंकि उनको जब उनने कल फ़ोन करा था तो मैंने कह दी थी मगर शायद या तो मैं रात नहीं आ जाऊँगी या फिर मैं सुबह मॉर्निंग में आऊँगी, तो ना तो मैं सुबह मॉर्निंग में आई और ना मैं कल रात में आई थी, क्योंकि तेजस ने कह दी थी बुआ जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आऊँ तो आप मिलना मैंने, तो इस वजह से तो बच्चों की जिद तो माननी ही पड़ती है। इस वजह से मैं कल नहीं आई, तो कल तो मैं जाऊँगी प्लॉट पर भी, क्योंकि बच्चों का देखो देखना पड़ता है। दिन में जब उन्ना फ़ोन करा था तो उस टाइम पे फ़ोन मैंने साइलेंट कर रखा था, और गुन्नू के सामने हम फ़ोन ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि क्या है ना इसी वजह से मैं उसके लिए वॉकी टॉकी और वो लर्निंग कंप्यूटर लेकर गई थी। वो क्या करती है कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब मम्मी एडमिट थी लास्ट मंथ में ही, कि लाओ हुआ मैं वीडियो बना देती हूँ, लाओ हुआ मैं वीडियो बना देती हूँ। अब वो तो बच्ची है, उसको पता नहीं है, और इसमें से मतलब रेडिएशन वगैरह तो होती है, तो इसलिए भाई कम से कम फ़ोन देना पड़े तो हम अपने फ़ोन को साइड में ही कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने फ़ोन साइलेंट कर रखा था, तो मैंने पता ही ना चला था। फिर मैंने घर आकर ही उनके पास कॉल करी थी, क्योंकि शाम ने मैंने जब उसके व्लॉगिंग के लिए फ़ोन उठाया था, जब मैंने देखा था फिर मैं कहीं के फ़ोन करूँगी, मैं घर जाकर ही फ़ोन करूँगी। तो गाइज आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो का करेंगे अब हम यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।